नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। और ये हमारा बॉयफ्रेंड है, हमारे हाथ में इसे ही आता, दिन भर दादागिरी में टाइम पास करता है और रात को दारूगिरी में। फिर जिधर जगह मिला उधर लुढ़क गया, कभी दारू के अड्डे पे तो कभी बस स्टॉप पे। अरे मौसी, तुमने मेरा बम्बैया को देखा क्या? अरे आम नहीं देखा तो तुम क्या देखेगा रे? आम को लगता उत्तर ही चोएंगा, 100% उत्तर ही चोएंगा। अयो अब मैं जमीन पे ढूंढता है, आसमान पे जाके सोता है। अरे बम्बैया, इतना दिन चढ़ गया रे, उठो रे। आम को मालूम है, आम जब तक तेरे को सलामी देंगा नहीं तुम उठेगा नहीं। अरे क्या रे लीलो सा, हमारा सलामी पहुंच गया ना? अरे हाँ हाँ पहुंच गया। क्यों रे साली, आंख मारते मारते पत्थर भी मारना चालू कर दिया क्या? अयो पत्थर नहीं तो क्या फूल मारेगा? अरे इतना बम मार मार के हमारा अंदर का गला पड़ गया, सुनने वाले लोगों का कान का पर्दा पड़ गया। तुम तो सुनता ही नहीं, चाल नीचे उतर शादी में जाने का है। शादी में? चलो अच्छा है, तेरी शादी हो जाएगी ना तो अपन की जान भी छूट जाएगी क्या? अरे ये तेरा जान इस दुनिया से मेरा जान जाने के बाद छूटेगा, समझा क्या? शादी मेरा नहीं है, मेरे सहेली का है। अरे तू पन फटाफट किसी फरतूस को देखकर सात चक्कर मार डाला क्या? हम तेरा सात चक्कर मारेंगे रे, तेरा सात। अरे नहीं 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 नहीं, अपुन की हाथ की लकीर में है ना, तेरी तस्वीर है नहीं? तस्वीर हम चाप देंगे रे, तू काली मुंडी लाकर हाथ बोल। ए, अपुन का मुंडी इतना नरम नहीं है क्या के कुत्ते का दुमची का मावे पटाख से हिल जावे? लोखंड का है लोखंड का, इतना जल्दी नहीं हिलने वाला। अरे हम तेरे को और तेरे मुंडी को हमारे गोदी में डाल के बर्फ के मावे पिघला देंगे क्या, समझा? चल नीचे उतर, उधर बारात आने वाली है। तू आगे आगे चल, अपुन तेरे पीछू पीछू आता है क्या? अपड़िया। अरे अपड़िया यार। ओम सदा पदे न पदेता निन्नो विश्वाजाता ने परता बभू है चित्ता मासे ध्रुमस्तन्नो अस्वयं शंपतेओ रैरां स्वाहा। ओम सनो बंधुर जनिता सदिराता धामान्य देर भुवनान्य विश्वा यत्र देवा अमृतमान साना सृतिये धामान्य धैर्यंता स्वाहा। हेरे रोक दो पंडित जी। शर्मा जी आपने आधा दहेज दिया, मैंने आधे फेरे करवा दिए, पूरा दहेज दे दो फेरे भी पूरे करवा दूंगा। ऐसा मत कीजिए महेंद्र जी,
मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और बगैर दहेज लिए क्या मेरा भाई आबाद हो जाएगा? बोलो, दहेज की रकम देते हो कि बारात वापस ले जाऊं? अंकल, ये आप क्या कर रहे हैं? ये जुल्म है, ये अन्याय है। चुप है, हमारी बारात में आके हमें मुजरिम बनाता है, कानून सिखाता है, इन लोगों की तरफदारी करता है, शर्म नहीं आती तुझे? क्यों शर्मा, साथ फेरे पूरे करवाने हैं कि हम लोग वापस जाएं? महेंद्र जी, मैं अपनी पगड़ी आपके पांव में रखता हूँ, भगवान के लिए मेरी लाज रख लीजिए। ये 12 रुपए की पगड़ी ले जाके कपड़े की मंडी में रखना। ये क्या है? ये लक्ष्मण रेखा है। इसको पार करने का गलती एक बार सीता ने किया था, सीधा लंका पहुंच गया था। अगर तुम लोग करेगा ना तो सीधा शमशान घाट पहुंच जाएगा। ए, हमको धमकी देता है क्या? अरे नहीं 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 सेठ, इधर अपन देने को नहीं लेने को आया है, और वो भी रोकड़ा। देखो सेठ, एकदम सीधा हिसाब है, लड़की वालों का पूरा 15,000 खर्चा हुए लाए, वो दे दो, अपन तुमको रास्ता देता है। पहचाना? नाम रंगा है, 10 खून कर चुका हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम हमसे दुश्मनी मोल लो। दुश्मनी अपुन की शेरों से होती है, खीदड़ों से नहीं। भाई साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ तो शेर? शेर नहीं, अपुन लक्ष्मण उर्फ बम्बैया। ठीक है ठीक है, देखो तुम अपन के रास्ते में टांग नहीं अड़ा सकता है क्या? अबे ओ गीदर, लक्ष्मी दिए बिना लक्ष्मण रेखा के आगे पाव डाला ना तो हड्डी की टांगों पे आ रहा है, लकड़ी की टांगों पे जाएगा, समझा? चल बे, तेरे जैसे बहुत देखे मैंने। ये लीजिए भाई साहब 15,000 रुपए, हम लोग शादी के लिए तैयार है। चुप साला, अपन तुम जैसा लालची कुत्ता लोग के साथ उस छोकरी का शादी नहीं करेगा, समझा? ठीक है भाई साहब। याद है अपुन कौन? कौन? अबे बोल, अपुन कौन? बम्बैया। हाँ, अभी चल चल बारात लेके खिसक इधर से, नहीं तो कहीं अपुन ने दूसरा लक्ष्मण रेखा मार दिया ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुम लोगों पे। चल बे फट। भाई साहब, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूं। अरे तो पहला बोला मांगता था ना? पहले बोल देता तो उन दहेजखोरों को सबक कौन सिखाता? ऐसा क्या है? चल, आज के बाद आपकी इज्जत मेरी इज्जत है भाई साहब, हमें आज्ञा दीजिए, चलते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने अपन की इज्जत रखी। ए बम्बैया, ऐसा फूल में सजला गाड़ी अपन का कब जाएगा रे? तेरा बाप दहेज देगा क्या साली? क्या बोला? ए, मेरा नाम सांगा है, खुद नशा करता हूं और सारे देश को नशा कराता हूं। मेरा नाम जाबर है, दिन में चाकू चलाता हूं, रात में डाके डालता हूं।
चेता, चेता नाम है मेरा। खाकी वर्दी वालों को जलाकर खाक करना मेरा उसूल है। पुलिस पुलिस वालों से तो बहुत प्यार है मुझे, बिल्ले लगा रखे। आप चेहरे भी बिल्ले लगाओ बिल्ले। नी रणजीत वाघ मारे आए। वाघ मारे मींस टाइगर, और टाइगर मेरे जीजा। लगी तो नहीं साले? बिल्कुल नहीं, मेरे अंग में खून की जगह फौलाद भरा है। विल यू कीप क्वाइट? तुमसे कह रहे हैं। आई से यू शट अप। ओके सर। ये वैन नासिक ले जाओ। थैंक यू सर। इडियट तुम लोग नहीं, इंस्पेक्टर शिव सिंह ले जाएगा। तुम लोग डफर्स हो। नो सर, वी आर नॉट डफर्स। वी आर क्लेवर। वी आर समझदार। वी आर वफादार। वी आर जिम्मेदार। वी आर हवलदार। नो सर, ही इज हवलदार, आई एम थानेदार। लेकिन सर एक बार। यस सर, एक बार हम जीजा साले को काम करने का मौका तो दीजिए। ओहो, विल यू कीप क्वाइट नाउ? दैट्स ऑल राइट। सिंह, पहले जाओ। यस सर। बचाओ मुझे भगवान के लिए बचा लो। मैं फिर मिलूंगी। एक विशेष सूचना, जनता को सूचित किया जाता है कि खतरनाक गुंडा चीता और उसके साथी जाबर व सांगा इंस्पेक्टर सिंह और उसके साथियों का खून करके भाग गए हैं। अगर किसी को इनका कोई सुराग तो और कद 5'9" है। जाबर का रंग काला है और चेता नाम है मेरा। उड़ाओ, जब तक पुलिस हमारे रास्ते से हट नहीं जाती हम लोग इसी डाक बंगले में रहेंगे, समझे? बुड्ढा, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। बुड्ढे बुड्ढे, ये लड़की कौन है? कौन है ये लड़की? कहाँ है? बुड्ढे, पुलिस, मैं तहसील डाक बंगले मकान नंबर 4 से बोल रहा हूँ। देखिए, जेल से भागे ने 3 गुंडे। बेटी, इनमें कोई है?
इनमें से कोई नहीं है। बोलते क्यों नहीं, जवाब दो, कौन हो तुम? माफ करना मेम साहब, ये ससुरी हमार आदत है, जब हम खात हैं तो बोलत नहीं, जब हम बोलत हैं तो खात नहीं। वैसे हम पैदाइशी निशानबाज हैं, मगर क्या करें मेम साहब, आजकल खुद तकदीर का निशाना बने रहने का ठिकाना ढूंढ रहे। वैसे जौनपुर का जंगल माँ हम सिक्योरिटी गार्ड थे, मैनेजर साहब ने हमार हाथों बेईमानी करवानी चाहिए, हमें आया गुस्सा और हमने नौकरी छोड़ दी। भीम साहब, अभी नौकरी मिल जाए ना तो दुई वक्त की रोटी का चक्कर चल जाए। बजरंग बली की कसम भीम साहब, हम सब काम जानत हैं, रोटी पकाने से गाड़ी चलाने तक, खाना बनाने से झाड़ू मारने तक, कपड़ा धोने से बर्तन मांजने तक, बड़ी काम की मशीन है हम मेम साहब। खा कर तो लग जाए नौकरी पर। मेरे पास कोई नौकरी वोकरी नहीं है, चले जाओ यहाँ से। ठीक है मेम साहब। आते वक्त सलामी दी थी, इसीलिए जाते वक्त भी सलामी दे रहे हैं। जयराम जी की मेम साहब। गीता, ये निशानेबाज तो तेरे काम का आदमी है। मगर ही घर में और कोनो नहीं रहते का, तुम अकेली रहत हो। अरे ये का हुई गवा तुम का मेम साहब? हाँ, मेरा कोई नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। एक पापा थे, बहुत प्यार करते थे मुझे, लेकिन कुछ शैतानों ने उन्हें मार दिया। शैतान? कौन शैतान? तुम हमका उका पता बताई दो, तस्वीर दिखाई दो, हम आज ही उका तस्वीर का ऊपर हार नहीं चढ़ाई दिए ना, तो हमरा नाम शिव शंकर कैलाशपति भोलेनाथ जौनपुरिया नहीं। हम सच कहते मेम साहब, हम दुई मिनट में उका नाम और निशान मिटाई के आ जाते हैं। हाँ, तुम्हारा बहुत एहसान होगा अगर मुझे ये बंदूक चलाना सिखा दो। अरे सिखाई देंगे मेम साहब, सिखाई देंगे, यही हमारा वादा रहा, मगर पहले हमका काम धंधे पे लगाई के अपना वादा पूरा करो। वो वादा मैंने पूरा कर दिया है बेटे। मैं आज ही तुम्हें अपने सेठ के पास ले चलूंगा, वो तुम्हारा ट्रायल लेगा, अगर तुम ट्रायल में पास हो गए तो तुम्हारी नौकरी पक्की समझो। अरे चाचा, आज तक हमारा रिकॉर्ड है कि हम जोन जोन परीक्षा दिए हैं, परीक्षा लेने वाला मास्टर फेल हो गया, मगर हम फेल ना ही हुए। है का नाम है तुम्हारो एग्जामिनेशन लेवे वाले का? हूँ चाहू दारू वाला हूँ, छू जौनपुर वाला। ए है, क्या हमारे यहाँ पर उतारता है क्या? हम बोलता है दारू वाला, तुम बोलता है जौनपुर वाला। देखो ये किटपिट मेरे को पसंद नहीं है, पहले से बोल देता, ये मेरे को पसंद नहीं है। तुम गिड्डा चौपड़ी पर आया? अरे साहेब, मार्केट में जितनी भी किताबें आई ना, हम कोनो नहीं छोड़ी, सब पढ़ डाली। वो भी चश्मा लगा? अरे वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा अभी हम तुमको एक सवाल मारता है। एक काहे को साहब, तू ही मारो ना। नहीं बस, मेरे को एक जाता है, वही मैं मारूंगा। अच्छा बोलो, अक्कल भरी के भैंस। अरे साहेब, जो भी हमका नौकरी दे देना वही बड़ा। अरे जबरदस्त, फर्स्ट क्लास है, तो हम तुमको नौकरी देने वाला, इसलिए हम बड़ा। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा ये बता, ये ताजमहल किसने बनाया? बजरंग बली की कसम साहेब, हमने तो ना ही बनाया। अरे वो तो मेरे को भी मालूम है बजरंग बली के तुम नहीं बनाया। अरे तुम सारा करकर तुम क्या बनाएगा, मगर किसने तो बनाया होगा कि नहीं हम बताए साहेब। हाँ
साहेब अकबर ने बनाई रहा है? क्या फेकम फेकी करता है, मेरा छोकरा तो बोला के सौजन ने बनाया करी ने। वो तो बाहर की बात है सेठ, हम तो अंदर की बात बतलाई रहे हैं। ताजमहल अकबर ने बनाया था, शाहजहां ने तो उका ऊपर सिर्फ सफेद रंग घुमाई दिया था। ओ, तो एक्स्ट्रा उसिया निकला लड़का है। जोयो के जूली कितना उसिया लड़का है, अंदर का सब छुपेला सीक्रेट बात भी हमको बता दिया। मेरी ऊपर इतना विश्वास किया, अरे वाह वाह, शाबाश शाबाश। सेठ इसका मतलब हमारी नौकरी पक्की? हाँ पक्की पक्की। सेठ सेठ हम कल से काम पे आ जाए? कल से काम पे आ जाए? देखो हम बेवकूफ होता है, उल्लू होता है, थोड़ा खिसकेला होता है, स्क्रू ढीला होता है, मगर अंदर की बात बताऊं, जब टाइम आता है ना तब हम सबका ऊपर नीचे का नट बोल ढीला करके रफू चक्कर हो जाता है। ए, तू क्या मेरे को संजय लगाने को आया क्या? अरे मैं अक्सर बम्बई का सैंडी कार के इधर बैठा हूँ, समझा? सारा तेरा सर का लड़का को मैं नौकरी रखे क्या? मेरा बराबर जाने का है क्या? अरे तू तो दादा इधर अंदर का बात सब बाहर करके मेरे को भी अंदर कर देगा और मेरे को भी सभासद कर देगा। चल फोन। जयराम जी की सेठ। अरे इधर 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 देख, मैं तेरे को एक आइडिया बताता हूँ, तू जाके पुलिस में भर्ती हो जा, वहां तेरा सब बात हजम हो जाएगा, समझा? चल फोन। सारा पुलिस में भर्ती होकर पुलिस वालों का भी बारह बजा देगा वो। अरे का हुई गवा? मैं तुम पर गोली नहीं चला सकती। अरे हम पे नहीं बाबा, हमरी इस 2 इंची की चिरोटवा पर। चलो घबराओ मत। राम राम मेम साहब। राम राम जौनपुरिया जी, क्या बात है, कहीं जा रहे हो? खैरियत तो है ना? इस ससुरी खैरियत ही तो नहीं है मेम साहब। क्यों, क्या हुआ? मेम साहब हमार दिल का डिपार्टमेंट में बड़ा जोरों का गड़बड़ चलत रहा। दिल में गड़बड़? मेम साहब हमार दिल हमार बस में नहीं। अच्छा, हमार समझ में नहीं आवत है, कभी फुदक कर यहाँ चल जाते तो कभी फुदक कर वहां चल जाते, यहां से वहां, वहां से यहां। कसम बजरंग बली की मेम साहब, रात भर इस ससुरे दिल के चक्कर में हम फंसे रहे, कंबख्त ने सोना ही नहीं दिया। मेम साहब रात भर हमार दिल धक 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 वाटर पंप की तरह चलत रहा। अच्छा, रात भर तुम्हारा दिल वाटर पंप की तरह धक 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 चलत रहा? क्यों, क्या हुआ तुम्हारे दिल को? वो हम नहीं जाना थे मेम साहब, मगर हुई कुछ जरूर गवाह है। हमका लागत है, हमका इसक हुई गवाह है मेम साहब। इसक? किससे? ई पहाड़न मा। ई पहाड़न मा? ई वादियन मा। ई वादियन मा? ई नदियन मा। ई नदियन मा? ई झरनन मा। ई झरनन मा? ई फूलन मा? ई फूलन मा? हमार दिल कहत है, हमार दिल कहत है हमका, हमका, हमका इसक हुई गवाह है, हमका इसक हुई गवाह तुमसे, तुमसे सच सच। Yeah!
शर्माना कुछ शर्मा के कुछ घबराना कुछ घबरा के फिर मुस्काना दिल ना कैसे हो दीवाना पूछो ना क्या मिल गया ओए होए मुझको खुदा मिल गया मेरा खुदा मिल गया ओए होए मुझको खुदा मिल गया तो है दरिया तूफानी रुके न रुके चढ़ी रवानी दिल वालों ने किसकी मानी दिल तो करता है मनमानी जो चाहता मिल गया मुझको खुदा मिल गया मेरा खुदा मिल गया यारो खुदा मिल गया मुझको खुदा मिल गया मेरा खुदा मिल गया यारो खुदा मिल गया मुझको खुदा मिल गया मेरा खुदा मिल गया यारो खुदा मिल गया मुझको खुदा मिल गया मेरा खुदा मिल गया जो चाहता मिल गया गीता बेटी पुलिस कब हमारा पीछा छोड़ेगी जूली तक ना सकी हमें मिलने को जबर लगता हम यही भूखे मर जाएंगे नहीं सांगा नहीं जबर अपनी जान पर खेल जाएगा मगर यारों को भूखा मरने नहीं देगा
सांगा अपन आज ही जाएगा और सेठ मूलचंद से खाने पीने का बंदोबस्त करके आएगा। नहीं जाबर, और सेठ साला बहुत हरामी आदमी है, तू उससे पैसे मांगेगा वो पुलिस को फोन कर देगा। हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब, आपकी जेल में से भागा हुआ जाबर मेरे घर में जबरदस्ती गुस्सा आया है। लेकिन आप कहां से बोल रहे हैं? मैं जू से मूलचंद बात कर रहा हूँ। साला पुलिस को खबर कर रहा था। राम राम मेम साहब। अरे ऐसा घूर घूर कर का देख रही हो मेम साहब? हमसे कोनो गलती हो गई का? गलती तो मुझसे हुई है जो तुम्हारी असलियत पहचाने में धोखा खा गई। असलियत? हमार असलियत ही का बात कर रहे थे मेम साहब? मेम साहब मत लो अपनी जबान से मेरा नाम। मैंने तुम्हें अपना एक दोस्त समझा, एक साथी समझा, मेरे जख्मों के दर्द को बांट लेने वाला एक हमदर्द समझा, मगर 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 तुम मतलब परस्त निकले, फर्ज के नाम पर कानून से मेडल हासिल करने वाले एक लालची अफसर निकले, जो मेरे जज्बात को बहकाकर मेरे दिल के जख्मों को कुरेद कुरेद कर मुझसे उन गुंडों के बारे में पूछने यहां आया हो। तुम्हारा वो भोलापन, तुम्हारी वो हमदर्दी, वो प्यार, सब एक ढोंग था, एक नाटक था। नहीं गीता नहीं, हमारे मासूम प्यार पर इल्जामों के इतने दाग मत लगाओ। मैं मानता हूं कि मैंने तुमसे अपनी असलियत छुपाई, गुंडों के बारे में जानना चाहा, लेकिन वो मैं नहीं गीता, मेरा फर्ज था जिसकी जंजीरों में मैं जकड़ा हुआ था। लेकिन लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बंदूक चलाना सिखाया जो मेरे फर्ज के खिलाफ था। मैंने मैंने तुमसे कदम कदम पर झूठ बोला है गीता, लेकिन उस झूठ के पीछे एक बहुत बड़ा सच भी छुपा हुआ है, और वो है मेरा सच्चा प्यार गीता, जो मैंने अपनी वर्दी के बाद तुमसे, सिर्फ तुमसे किया है गीता। मगर गीता, पिस्तौल के बल पर जो जंग तुम लड़ने जा रही हो वो तुम्हारा काम नहीं है, वो काम है कानून का, पुलिस का। तुम्हारे दुश्मनों को कानून की गोलियों से बर्बाद करने का जिम्मा मैं लेता हूं गीता, ये मेरा वादा रहा। मेरी एक रिक्वेस्ट है गीता, मेरी मानो तो तुम अपना घर बसा लो, अपनी दुनिया आबाद कर लो गीता। Yeah.
अरे अंडर का बात बहुत करने वाला साला पुलिस का जीप में, जरूर कोई लफड़ा किए होगा साला 420। रिक्शा रिक्शा क्यों बा, किधर जाने का यहाँ? अरे है अभी अभी तो तुम पुलिस का जीप के अंदर था और अभी रिक्शा के अंदर और वो भी ये ड्रेस में। ए साला तुम हमको कुछ अंडर करने का चक्कर तो नहीं चलाता है ने? ए, ए, ए बा ब्रेक मार ब्रेक, नहीं तो एक हाथ मारूंगा ना पतंग के माफिक हवे में उड़ जाएगा, समझा क्या? अच्छा तू क्या मेरे को हवा में उड़ा देगा, मैं तेरे को समंदर में गिरा दूंगा। ए बा काय को बरसात में तू अपन का भेजा फ्राई कर रहे लाए, एक मारेगा तो मर जाएगा क्या? चल फुट साला बदमाश कहीं का। ए क्या बोला रे बदमाश बोला बम्बईया का, चल फुट। अयो हम उधर शटर के बाद तुम्हारा रास्ता देखता है और तुम इधर बैठ के लफड़ाबाजी करता है। अरे पिक्चर के लिए देर हो जाएगी रे। अरे कौन सा पिक्चर देखने को जाने का है? वो एनटी रामाराव का पिक्चर। अपड़िया। हाँ हाँ अपड़िया, चलो। अमर बेटे मेरी बहू नहीं लाए? अरे माँ मैंने उससे शादी की बात की और वो एकदम से शर्मा गई और उसे शर्माते हुए देखकर मुझे भी शर्म आ गई। अरे ऐसे तू शर्माएगा वो शर्माएगी तो इस शर्मा शर्मी में सारी उम्र गुजर जाएगी। ठीक है कल तू मुझे उसके घर ले चलना, अपनी बहू को मैं खुद साथ ले आऊंगी। मैंने आपको पहचाना नहीं। मगर मैंने तुम्हें पहचान लिया। मुझे? हाँ नीता बेटी, मैं अमर की माँ हूं। जीती रहो बेटी, अमर ठीक कहता है, तुम्हें शर्माने का पूरा हक है। अब तो मैं जल्द ही इन हाथों में शादी के कंगन देखना चाहती हूं। आते 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 जाते 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 मुझे दूर ला गई, आते 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 तेरी याद आ गई, जाते 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 मुझे दूर ला गई, आते 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 तेरी याद आ गई, जाते 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 मुझे दूर ला गई, आते 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 जाते 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 मुझे दूर ला गई। Thank you.
जब न मुलाकात हो सुनी सुनी रात हो दिल में तेरी याद हो फूलों से पहाड़ों से तारों से तेरी बात हो चोरी 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 दिल में समा गई जाते 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 मुझे दूर ला गए आते 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 तेरी याद आ गई जाते 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 मुझे दूर ला गए रुठ जाए तो उसे भूल जाऊं रब को भुला के तेरे पीछे आऊं रूठे तू जो रूठे मैं दुनिया से रूठ जाऊं यारा तेरी यारी रब को भुला गई जाते 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 मुझे दूर ला गई आते 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 तेरी जाते जाते मुझे दूर ला गए आते 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 तेरी याद आ गई जाते 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 मुझे दूर ला गए ओ मेम साहब शादी की तस्वीरें तो अब तक धुलकर आई नहीं ये किन तस्वीरों से दिल बहला रही हो तुम दिल बहला नहीं रही हूं दिल जला रही हूं उन तस्वीरों से जिन्होंने मुझसे मेरे पापा छीन लिए हां ये देखो अमर क्या बात है गीता इन्होंने सिर्फ तुम्हारे पापा ही नहीं मुझसे मेरी बहना भी छीन ली है जिसकी जिसकी शादी मैंने बड़े धूमधाम से रचाई थी Thank you.
अच्छा भाई साहब, अच्छा जी, भैया उसके बाद मुझे यह पता चला कि उसने मेरी मासूम बहन को बॉम्बे की किसी कोठे पे लाकर बेच दिया, उसकी इज्जत का सौदा कर दिया। मैंने अपना ट्रांसफर बॉम्बे करवा लिया ताकि मैं उसकी तलाश कर सकूं। मैंने हजारों लाखों कोठे छान मारे, पागलों की तरह अपनी बहन को ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढते ढूंढते मेरे पैरों पे ही नहीं, मेरे दिल पे भी छाले पड़ गए। मगर मेरी बहन का ना ही कोई पता चला, ना ही उस हरामजादे का। तलाश की जड़ तक तो मैं पहुंच ही चुका हूं, मगर जाबर कुछ बोलता नहीं, और इन दरिंदों तक पहुंचने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। उन तक पहुंचने के लिए शायद ये रास्ता काम आ जाए। अमर, इंस्पेक्टर अमर। हेलो, मैं जूली बोल रही हूँ। क्या बात है? मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मैं करीम एंड करीम पेट्रोल पंप से बोल रही हूँ, तुम जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तीन बार खांसने का मतलब डेंजर, लफड़ा, पुलिस। करीम एंड करीम पंप पर बुलाया है। वेलकम इंस्पेक्टर अमर, वेलकम। अकेले आए हो, मर्द लगते हो। हाँ, मर्द हूं, इसीलिए ताली नहीं बजाता। अबे चारों तरफ देख, ताली क्या तेरा बैंड बजाएगा। बंदूकें, गोलियां और तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही हैं। होल्ड साले साहब, होल्ड।
थालियां तुम मुझे दोगे और बुरा लगेगा। भैया भैया मुझे बचा लो भैया भैया। आ तू जा। माँ इन्हें बहुत चाहती हैं, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। आप इनकी मौत की खबर उन्हें कभी मत दीजिएगा। मैं आई कमिंग सर। आओ बेटी आओ। बेटी पुलिस की नौकरी के लिए जो तुमने अर्जी दी थी हमारे सिलेक्शन बोर्ड ने मंजूर कर ली है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अमर मुझे आशीर्वाद दो, जो काम तुम्हारे हाथों अधूरा रह गया है वो मेरे हाथों पूरा हो। अरे बेटी कब आई तू? अभी आई माँ जी। मगर तू बातें किससे कर रही थी? बातें? ओ इनसे कर रही थी माँ जी, ये तो मेरे साथ आए नहीं, एक बहुत बड़ा केस सुलझा रहे हैं। मगर बेटी इतने दिन हो गए वो आया ही नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस की नौकरी करते करते उसका दिल इतना सख्त हो गया है कि उसे माँ की याद भी नहीं आती? नहीं माँ जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने भी उनसे यही पूछा क्या तुम्हें माँ की याद नहीं आती, तो वो हंसकर कहने लगे नहीं पगली नहीं, याद तो बहुत आती है मुझे, लेकिन क्या करूं बहुत मजबूर हूं अपनी मां से मिलने का वक्त ही नहीं मिलता। मगर मेरे पास बहुत वक्त है, वो यहां नहीं आ सकता तो क्या हुआ, मैं तो अपने बेटे के पास जा सकती हूँ। बेटी कल की पहली ट्रेन से मेरा बेटा जहां भी है तू मुझे उसके पास ले चल। तेरी जात का पैदा मारो साला। बाजी बाजी कब आया तू बेटे? अपनी इस बूढ़ी माँ को छोड़कर कहाँ गया था? माँ देख तेरे बगैर तेरी माँ की क्या हालत हो गई है, आज तेरा खून न मिलता तो तुझे मिले बगैर ही मैं मर जाती। अरे तू अपुन को क्या बोल रही है, अपुन के कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख माई अपुन किसी का बेटा बेटा नहीं है। दो चार महीने दूर रहने से क्या माँ बेटे के रिश्ते टूट जाते हैं?
बेटा माँ को भूल जाता है। देखिए अब ज्यादा बात मत कीजिए, इन्हें आराम करने दीजिए, आप प्लीज जाइए। माँ ये क्या हुआ? माँ तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? झूठ? कैसा झूठ माँ? मेरे बेटे के बारे में। आपको सब पता चल गया? हाँ सब पता चल गया। मेरा बेटा इसी शहर में अभी मुझे खून देके गया है। खून? न जाने उसे क्या हो गया है, अजीब सी बातें कर रहा था, उसने मुझे पहचाना भी नहीं। माँ जी वो एक बहुत बड़े देशद्रोही को पकड़ने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जब तक वो उसे नहीं पकड़ लेते आप किसी से कुछ कहिएगा मत, वरना उनकी जान को खतरा है। नहीं बेटी मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन तू उसे कह दे एक बार आके इस बुढ़िया को माँ कहते ले आएगी ना? बोल, ले आएगी ना? जरूर लाऊंगी माँ जी, जरूर लाऊंगी। वो कौन है जिसे माँ जी अपना बेटा समझ रही है? कहां से लाऊं उसे, कहां ढूंढूं? मगर खून तो अपुन ने दिया है ना, तेरा जान का को जल रहा है? आइयो हमारा जान नहीं जलेंगे तो किसका जान जलेगा रे? तू ऐसे फ्री फंड में खून बांटते जाएगा तो उसका बम्बई का आंग में तेरा खून जा जाएगा रे। और तू बगैर खून का एक चुड़ैला जूला के माफक एक पटला फूगा के माफक लटक जाएगा रे। ए, 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 लिड़ो सा, देख तू अपुन के जैसे लफड़ेबाज टपोरी पांडेबाज के चक्कर में टांग काई को मारती रहती है। खून दिया तो काई को दिया, खून किया तो काई को किया, लफड़ा किया तो काई को किया, तेल दिया तो काई को दिया। क्या बोला रे? दिल? अरे अस्पताल में खून देते देते नर्स को दिल पड़ने की आया क्या? हाँ हाँ देगा तो तू क्या कर लेगी? अयो हम उसको चार से मार डालेगा रे। अरे काय को, क्या तेरे बाप का राज है? हाँ हमारे बाप का राज है। क्यों? तू ऊपर से लिखा के आई लिए क्या? मतलब तुम हमसे प्यार नहीं करता रे? देख इडली डोसा, क्या आखे बम्बई का छोकरी लोग हड़ताल पे गए? मतलब तुम हमसे शादी नहीं बनाएगा रे? क्यों? दूसरा छोकरी लोग संन्यास लिए ले? मतलब तुम किसी और को अपना बीवी बनाएगा रे? अरे हाँ हाँ बनाएगा। देख लीडो सा, आपुन भी इस गाड़ी का मालिक है, जवान है, खूबसूरत है, ये पूरा एरिया में आपुन का ही वट चलता है क्या? और इस सीने में है ना एक डेढ़ किलो का दिल है क्या? ए साला तुम हमारे को धोखा दिया रे, तुम हमारे को छोड़ के किसी दूसरे को पकड़ लिया रे। अयो देवा, अयो माँ, अयो अयो, अब गाली पुकर पे मद्रास से बम्बे आके तुम्हारा जैसा लफटा का जफटा में फंस गया रे। अरे साला तुम्हारे बम्बे खराब रे, इधर का पानी खराब रे, इधर का चोकरा खराब, इधर का आदमी खराब है रे, तेरा बम्बे खराब है रे। इडली डोसा, आप उनके बॉम्बे को गाली मत देना क्या? ये बॉम्बे अपना माँ है, ये बॉम्बे अपना बाप है, ये बॉम्बे अपना सब कुछ है क्या? और तुम कौन है रे? अपुन बम्बई ने पैदा किया, बम्बई ने बड़ा किया, बम्बई ने खाना दिया, बम्बई ने पीना दिया, बम्बई ने पैदा किया, बम्बई ने बड़ा किया, बम्बई ने खाना दिया, बम्बई ने पीना दिया।
फिर भी दिल दिखला हर जाई। प्यार का सांबर खिला के मुझे, प्यार का सांबर खिला के मुझे, डोसे वाली ने दिल ले लिया। अरे प्यार का सांबर खिला के मुझे, डोसे वाली ने दिल ले लिया। अपन कौन बम्बैया, अपन कौन बम्बैया। कोरा 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 चिकना बदन तेरा, देखा तुझे तो दिल फिसल गया मेरा। बाली उम्र तेरी 16 बरस वाली, पतली कमर तेरी फूलों की है डाली। बम्बई की लड़कियों में हुस्न है कुछ कम नहीं, हमको ना पसंद करे उनमें इतना दम नहीं। फिर भी दिल में तू समाई, जलवों का रसम आय हाय आय हाय। जलवों का रसम पिला के मुझे, एक मेवाली ने दिल ले लिया। अरे प्यार का सांबर खिला के मुझे, डोसे वाली ने दिल ले लिया। ए अपन कौन बम्बैया, ए अपन कौन में है गुस्सा, होठों पे है हंसी। तूने सुना होगा हंसी जो वो हंसी, ऊपर ऊपर गरम अंदर अंदर नरम, पीछा करेंगे हम तेरा जन्म जन्म। हमसे तुझे छीन कोई किसी में ये दम नहीं, हमने कसम ली है यहाँ तू नहीं तो हम नहीं। तुझ पे जा हमने लुटाई, चाहत की चटनी आय हाय आय हाय। चाहत की चटनी चटा के मुझे, इडली वाली ने दिल ले लिया। अरे प्यार का सांभर खिला के मुझे, डोसे वाली ने दिल ले लिया। ए अपन कौन बम्बैया, ए अपन कौन बम्बैया। ए अम्मा दे दे मुझे दे दे प्यार की निशानी, होगी तेरी होगी बड़ी मेहरबानी। बम्बैया राजा मद्रासन रानी, तेरे मेरे आगे दुनिया भरे पानी। बम्बई मद्रास का ये होना था संगम, यही जान रहे या न रहे होगा प्यार कम नहीं। तौबा रे तौबा तुहाई, कांजीवरम 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 से दी जाके मुझे, हाय नखरे वाली ने दिल ले लिया। अरे प्यार का सांभर खिला के मुझे, डोसे वाली ने दिल ले लिया। बम्बई ने पैदा किया, बम्बई ने बड़ा किया, बम्बई ने खाना दिया, बम्बई ने पीना दिया, फिर भी दिल निकला हर जाए। अरे प्यार
क्या अरे प्यार का सांभर खिला के मुझे डोसे वाली ने दिल ले लिया है अपन कौन Sorry, Mr. Samant. Oh, no, no. It's all right. अच्छा जावर कुछ बका बका तो नहीं लेकिन मैं उसके साथियों का पता लगाकर ही छोड़ूंगी मुझे पूरा यकीन है उसने जाबर को मारा है। आई विल सी इंस्पेक्टर रंजीत। थैंक यू सर। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ इंस्पेक्टर गीता, जब तक इंक्वायरी कमीशन जाबर की मौत के बारे में पूरी तरह छानबीन न कर ले मुझे मजबूरन तुम्हें सस्पेंड करना पड़ रहा है। आई एम सॉरी अबाउट। इंस्पेक्टर गीता, जब तक तू मरेगी नहीं मेरे दोस्त जाबर की आत्मा को शांति मिलेगी नहीं। कुत्ते, जब तक मैं तुझे नहीं मारूंगी मुझे भी शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती क्योंकि चंद ही मिनटों में तुम पेट्रोल से जलकर राख हो जाओगी। नीच कमीने, अरे अगर हिम्मत है तो खोल मेरा हाथ। ये तू नहीं तेरी मौत बोल रही है। सर
साले तू। क्यों शकल देख के ही 12 बज गया क्या? तुम जिंदा हो क्या? अरे अपुन मराइज कब था? फिर कौन हो तुम? अगर तू चलाने वाला है तो अपुन बुझाने वाला है क्या? ओ तो तू बुझाने वाला है। लेकिन मेरी एक आदत है, मैं जलाता भी खुद हूं और बुझाता भी खुद हूं। और अपुन की भी एक आदत है, अपुन चलाता खुद है लेकिन बुझाता कोई और है क्या? अपुन ने कहा था ना कि अपुन जलाता खुद है और बुझाता कोई और है क्या? अरे मेम साहब, मेम साहब तुम कौन हो? मेम साहब मैं उस बदनसीब औरत की बहू हूँ जिसे तुमने अस्पताल में एक बार खून दिया था। अरे अच्छा हुआ मेम साहब तुम मिल गया। वो जो तुम्हारी सासू माँ है ना, वो अपन को बेटा समझती है। अरे मेम साहब अपन किसी का बेटा बेटा नहीं है, तुम जाके समझा देना उसको। अच्छा समझा दूंगी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया काय का मेम साहब, पर एक बात तो बताओ, वो गुंडा लोग तुम्हारा दुश्मन काय को बने लें? क्योंकि मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। हाँ, इंस्पेक्टर गीता इंस्पेक्टर अमर की बीवी है और वो हरामजादा जिंदा है। अरे इडली डोसा, अरे किधर गई रे तू? अरे ये काय को मारता रे? अरे ये ले पकड़। कैसा है? अयो ये सारी तो एकदम मेरा पसंद का है रे, लेकिन कौन सा खुशी मिला रे तू? अरे अपुन का दिमाग खाने के लिए तू आज ही पैदा हुई थी ना, वो इस खुशी में। आज तेरे पैदा होने का दिन है ना? अयो पैदा होने का दिन नहीं रे, आज मेरा जन्मदिन है। अरे हाँ हाँ बोईज बोईज, तू फटाक से तैयार हो जा, घूमने को जाने का है। अपुन जरा मूड बना के आता है क्या? ए मगर आज मेरा जन्मदिन है, तुम मूड में आके दारू नहीं पीने का या? ए लीडो सा, बगैर दारू पिए कोई पैदा होने का दिन मनाता है क्या? हाँ मनाता है मनाता है, हम मनाता है और आज हमारे साथ तुम भी मनाएगा। आज हम तुमको दारू को टच नहीं करने देंगे जी, आज हम तुमको बाटली भर के रूह अफ़ज़ा का शरबत पिलाएंगे जी। बढ़िया, मैंने पैदा किया। ए लीडो सा, अपुन कौन? क्या माल दिए ला आंटी ने बाप? Thank you.
भैया, क्या करता रे तू? अरे कुछ नहीं करता इडली डोसा, थोड़ा रूह अफजा को गरम करने लाए क्या? आज हम दारू से नहीं, रूह अफजा से तेरा मूड बनाएगा क्या? हाँ बना बना ले। जी, कितना कड़वा है रे इडली डोसा। कड़वा? ची ची ची, अरे सच्ची रे बम्बैया, कितना बात मारता रे। अयो यो यो, ये दुकान वाले लोग ऊपर से चापा दूसरा मारता है, अंदर से माल दूसरा डालता है, लेकिन हमारे जन्मदिन का खुशी में पीना जी, हम भी पीना तुम भी पीना। पीता है। बस तुम तो एकदम मेरा चुनमुनी रजनी का दिखता जी। मेरा सस का एंटी रामा राम दिखता जी। क्या बात कर लिए। मेरा मद्रास का छोटा मुट्ठी वाला कमला हसन दिखता जी। इडली डोसा, तेरे को मालूम है तू अपन का क्या दिख रहे लिए? नहीं मालूम। तू अपन को श्री देवी दिख रहे लिए बाप। वो मीनाक्षी चादरी दिख रही है बाप। अपन की डार्लिंग हेमा मालिनी दिख रही है तू। और तू क्या दिख रही है वो अपन को भी नहीं मालूम, लेकिन फैंटास्टिक दिख रही है। अरे मगर तुम मेरा हाथ क्या को पकड़ रही है? चोर चोर चोर, ये मेरा मजलिस का स्टाइल है। पकड़ लिया तो चोरता नहीं, चोरता तो पकड़ता नहीं, पकड़ लिया तो पकड़ लिया। अरे मगर तू ऐसा मेरा हाथ पकड़ के बैठेगी तो अपन का प्रोग्राम खलास हो जाएगा एकदम फिनिश। चलो टूट नहीं रोज पड़े गेला। मद्रास का स्टाइल है, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, चोरता तो पकड़ता नहीं, पकड़ता तो चोरता नहीं। अरे बाप, काय को खाली फोकट तो पकड़ा पकड़ी में प्रोग्राम खलास कर रहे लीड लीड होता चल। अरे पकड़ लिया तो पकड़ लिया, चोटा नहीं। अरे लीड होता अपुन को ऐसा लगता है कि आज रात में तेरा साथ में अपुन को मद्रास स्थल में दिल का बात करना पड़ेगा। कम ऑन लेट अस गो घूमेंगे। आज रात को दिल की बात हो, आज रात को दिल की बात हो, ये लाल शरबत में क्या मिलाया, बुला के भर क्या मुझे पिलाया, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई बाबा मैं तो, ओ बाबा मैं तो टुन हो गया, ओ बाबा टुन हो गया, ओ बाबा मैं तो टुन हो गया, ओ बाबा टुन हो गया। सारी रात हो खुल के बात हो, क्या सारी रात हो खुल के बात हो। अच्छा अजब है तेरा बम्बैया पानी, दो घूट पी के झूमे जवानी, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई बाबा मैं भी, हाँ बाबा मैं भी धुन हो गई, हाँ बाबा धुन हो गई, हाँ बाबा मैं भी धुन हो गई, हाँ बाबा धुन हो गई। Thank you.
को संभालो चढ़ गई बाबा मैं तो खून हो गया ओ बाबा खून हो गया हाँ बाबा मैं भी खून हो गई हाँ बाबा खून हो गई मुझको संभालो चढ़ गई बाबा मैं तो टन हो गया ओ बाबा टन हो गया हाँ बाबा मैं भी टन हो गई हाँ बाबा टन हो गई आज रात को दिल की बात हो आज रात को दिल की बात हो ये लाल शरबत में क्या मिलाया बुला के घर क्या मुझे पिलाया चढ़ गई बाबा मैं तो टुन हो गया तो बाबा टुन हो गया हो बाबा मैं भी टुन हो गई तो बाबा मैं तो टुन हो गया लक्ष्मण भैया देखो आपको बाइलेज मालूम था अरे बम्बैया तुमको हमारा प्यार का कसम जी आज से तुम ये लड़की लोग का चक्कर में और ये गुंडा लोग का चक्कर में मत पड़ना जी नहीं पड़ेगा और वो बम्बैया के नाम से मशहूर है इंस्पेक्टर अमर सेना और चीता की गोलियों से हरामजादा बच गया और उसकी पत्नी इंस्पेक्टर बनकर हम सबकी मौत का इंतजार कर रही है नहीं सागा नहीं जिस तरह से जाबर की मौत इंस्पेक्टर गीता का प्लान था उसी तरह से अब इंस्पेक्टर अमर और गीता की मौत हमारा प्लान होगा डॉक्टर देखो बेटे तुम्हारी सास की कंडीशन बहुत सीरियस है बार बार अपने बेटे को याद करती हैं
और रो रो कर बेहोश हो जाती हैं। यही वजह है कि दिमाग का जख्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कंडीशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल। सी व्हाट हैपेंस। सिस्टर, बेड नंबर 3 पर इनकी सास की कंडीशन कैसी है? सर, शी इज वेरी सीरियस। 2 घंटे से बेहोश पड़ी है। ओ माय गॉड। देखिए, इस वक्त इनकी कंडीशन ऐसी है कि इन्हें सिर्फ इनका बेटा ही बचा सकता है। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर इनका बेटा सामने नहीं आ जाता तो हो सकता है। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं। आप कुछ भी कीजिए मगर मेरी सास की जान बचा लीजिए। इनका बेटा यहाँ नहीं आ सकता, वो मजबूर है। मगर ऐसी भी क्या मजबूरी है? माँ के लिए तो बेटे सात समंदर पार से आ जाते हैं। हाँ, लौट आते हैं मगर वो समुंदर पार नहीं, आसमानों के पार चले गए हैं। इनका बेटा, मेरा पति, अब इस दुनिया में नहीं है। बेटी, ये सुहागन दिखने वाली अभागन तो कब की विधवा हो चुकी है। मेरा सिद्धूर, मेरी बिंदिया तो कब की मिट चुकी है। डॉक्टर, कब की मिट चुकी है। गीता बेटी, तुम्हारे साथ मेरी पूरी हमदर्दी है मगर मगर इनके दिमाग में बेटे की तस्वीर इस तरह छाई हुई है कि जब तक वो इनके सामने वापस नहीं आ जाता ये केस हमारे लिए बहुत मुश्किल। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, ऐसा मत कहिए। अपनी मां समान सास को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, बड़ी से बड़ी कुर्बानी दूंगी। मैं उसे ले आऊंगी जिसे मेरी सास अपना बेटा मान चुकी है। अरे बम्बया, तू तो अपन को दिखेज नहीं रह ला। क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीनिंग। अरे इंस्पेक्टर साहब, इतना रात को तुम अपुन का घर में? क्या वो फर्तूस लोग वापस पिज्जू पड़ के लाए क्या? ओ पास अरे लेना, वो क्या अपुन ने आज थोड़ा सा माफ करना है सर। तुम खड़ा गए हो सर, बैठो ना बैठो। टूटेला सारा आपन झाड़ू मारता है सर। होल्ड होल्ड ना, बैठो ना सब, बैठो ना। मांगने वाले बैठा नहीं करते लक्ष्मण। अरे मैम साहब, अपन के टूटेले बुढ़ेले घर में है क्या तुमको देने के लिए? देखो मैम साहब, तुम अपन के साथ मजाक नहीं करना। नो जोकिंग मे प्लीज। तकदीर ने जिसके साथ हर मोड़ पर मजाक किया हो वो किस्मत का मारा किसी के साथ क्या मजाक करेगा। लक्ष्मण, मैं अपनी सास की जान का दान तुमसे मांगने आई हूं। अगर 24 घंटे के अंदर तुमने उन्हें चलकर मां नहीं बोला तो वो इस दुनिया में नहीं रहेंगी। अरे मैम साहब, क्या की बंबई में तुमको ये काम करने का वास्ते अपुनिश मिला है क्या? हाँ, एक तुम, सिर्फ तुम, एक तुम ही तो हो लक्ष्मण, जिसे मेरी सास अपना बेटा मान चुकी है। एक तुम ही तो मिले हो जिसका खून मेरी सास के खून से मिलता है। एक तुम ही तो हो जो मेरे पति का हम शक्ल है। और इसका वास्ते तुम हमारा बम्बैया को अपने पास बुलाता है? अरे बम्बैया ने तुम्हारा थोड़ा साथ दिया तो आपका गट टूट गया, आपका साथ देगा तो आपका बम्बैया टूट जाएगा। बीच में मत बोलो रे। हाँ, लेकिन हम भी मद्रास का पानी पिया रे। अरे इतना छोटा सा, इतना बड़ा किया हमारा बम्बैया को और तुम रेडीमेड माल जाने को मांगता है? नहीं बहन, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए इन्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ ताकि अपनी सास को इनका चेहरा दिखा सकूं।
और फिर जिंदगी भर हम इसका शक्ल देखने के लिए दिन में लाइन से लेके घूमेगा ढूंढेगा। अरे बम्बैया तुमको मेरा कसम रे, मेरा प्यार का कसम, तू इस लड़की के चक्कर में मत पड़ना। भगवान के लिए ऐसा मत कहो बहन। अरे ओ मैम साहब, अब आपका ये पति बनने का नाटक अपुन से नहीं हो सकता है क्या? हर एक टाइम अपुन की डार्लिंग सुंदरी ने कह दिया ना, नाको मीन्स नाको फिनिश। सुंदरी, मर्द का दिल पत्थर होता है ये मैंने सुना था, लेकिन औरत का दिल उनसे ज्यादा सख्त होता है ये मैं पहली बार देख रही हूं। मगर एक बात याद रखना, जब मेरी सास अपनी जिंदगी की सांसें छोड़ दे तो उनकी अर्थी को कंधा देने के लिए अपने लक्ष्मण को जरूर भेज देना, क्योंकि उसके दिए हुए खून की बूंदें मेरी सास की आत्मा पर एक कर्ज है, एक उधार है, उनकी चिता पर जरूर भेज देना। जाते जाते मुझको रुला गई, आते 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 तेरी याद आ गई, जाते 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 मुझको रुला गई। जाने जहां तू जो कहे दे दूं ये जान तुझे चाह तुझे रूठ जाए तो उसे भूल जाऊं, रब को भुला के तेरे पीछे आऊं। रूठे तू जो रूठे मैं दुनिया से रूठ जाऊं, यारा तेरी यारी रब को भुला गई, जाते 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 मुझको रुला गई, आते 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 मेरी याद आ गई, जाते 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 मुझको रुला गई, याद आ गई तेरी याद आ गई, याद आ गई तेरी याद आ गई। मगर तूने ये क्या हुलिया बना रखा है? जो बेटा अपनी माँ से दूर हो जाता है ना, उसका हुलिया ऐसे ही हो जाता है माँ। अब माँ से दूर मत जाना बेटे, देख कितना दुबला हो गया है।
तो अपुन भी तुमसे दूर नहीं रह सकता। मेरे सर की कसम। अरे तेरा सर तो बहुत कीमती है माँ, मुझे अपुन के सर की कसम, हमेशा तेरी आंखों के सामने रहूंगा। जी गीता जी, ये क्या किया आपने? मेरे बाबा और मेरे पति के कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। गीता जी, बाकी का काम तुम अपुन पे छोड़ दो। अपुन की खोपड़ी में एक आइडिया आया है जिससे तुम्हारा बाकी का दुश्मन भी सामने आ जाएगा और ये खेल भी खलास हो जाएगा। क्या? हेलो, हाँ रिपोर्टर शर्मा, आपको पता है कि इंस्पेक्टर रंजीत वाघमारे ने क्या किया है? कौन है बे? अरे अबे सीधा खड़ा रहना, मुर्दे के माफक इधर खड़ा। अरे अरे ओ जी, मेरा सांगा मर गया। इंस्पेक्टर वाघमारे ने उसे मार डाला। अब पुलिस वाले मेरे सांगा की मौत का जश्न नहीं, इंस्पेक्टर वाघमारे की मौत का मातम मनाएंगे। फोन करो शराबजादे को और कहो कि जूली उससे मिलना चाहती है। भूत आपके पीछे लग गया ना, तो आपका नशा तो क्या आपकी वर्दी भी उतर जाएगी, वर्दी भी उतर जाएगी। आ?
डार्लिंग, ये क्या तुमको अभी से पसीना आने को चालू हो गया? Well, तुम्हारे इंतजार में पसीने छूट रहे हैं। और तुम्हारा पेपर में कारनामा देकर हमारा जान निकल गया। अच्छा, इसीलिए तुमने उस गुंडे को मारने की खुशी में हमें यहाँ पर पार्टी दी है। इधर नहीं, पार्टी तो हम तुमको खंडाला में देगा। खंडाला में? चलो हाँ, चलो खंडाला चलते हैं। खंडाला डार्लिंग, ये खंडाला की जगह हम कहीं अंबाला तो नहीं पहुंच गए? वो रुपयों का बैग कहाँ है? बोल हरामजादे, तूने मेरे सांगा को क्यों मारा? अरे लेकिन जूली डार्लिंग, शट अप। अरे मेरी माँ, वो तो मेरे घर मरा हुआ ही पहुंचा था। हम तुम्हारी जान बख्श सकते हैं अगर तुम हमारा बाल वापस कर दो। बता बैग कहाँ है? ये रहा बैग। खून को देखकर खून खोलते तो सुना था, लेकिन एक इंस्पेक्टर को पिटते देखकर दूसरे इंस्पेक्टर को तकलीफ होगी ये पहली बार देख रहा हूं। खैर लाओ बैग। एक शर्त पर, बागमारे को छोड़ दो। मंजूर है। गीता जी मुझे माफ कर दीजिए। पकड़ लो इन दोनों को। सौदे में धोखेबाजी तो जायज है इंस्पेक्टर। राइट, इसीलिए मैंने नोटों के बैग में टाइम बॉम्ब रखा है जो किसी वक्त भी फट सकता है। सौदेबाजी में धोखेबाजी जायज है, इसमें कोई बॉम्ब नहीं है। शूट देम। बागमारे जी, आप इन्हें गिरफ्तार कर लो। जी। मुझे माफ कर दो बागू। बागू अतः अपन आत्मदी बागू है। इंस्पेक्टर गीता, तेरा शेर जैसा इंस्पेक्टर अमर चीता के हाथों मारा गया, और अब उसकी जख्मी शेरनी चीता से पंजा लड़ाने आई है। मैं तेरा खून पी जाऊंगी हरामजादे कमीने। कमीना नहीं, कुत्ता हूं मैं। इसीलिए तो गले में पट्टा डाल के घूमता हूं। ए चुड़िया, तूने कानून का चक्कर बहुत चलाया, मगर चीता तेरे जाल में नहीं आया, बल्कि तू हमारा माल लेकर हमारे ही जाल में चली आई। हल निकाल। Bye.
पालतू नहीं, शिकारी, जंगली, मेरे यारों की कातिल। अबे ओ बम्बैया, छोड़ दे मेरे साथी को, वरना तुझे बम्बई से नहीं सारी दुनिया से गायब कर दूंगा। अबे ओ ढक्कन, तेरे टकले पे बाल नहीं है और खोपड़ी में माल नहीं है क्या? मगर तेरा माल रंगा के पास है। अच्छा, अबे ओ टकलिया, अच्छा हुआ तू अपुन की सुंदरी को लेके आया, इसके बिना मारामारी में मजा नहीं आ रहा था क्या? अबे बम्बैया, ये तेरा नहीं, ये रंगा का एरिया है, रंगा का। अबे टकलू, अपुन एक सीटी मारेगा ना तो तेरा एरिया अपुन का हो जाएगा क्या? काई सुंदरी, सीटी मारू का है? अयो मार ना सीटी, जल्दी सीटी मार। अभी अपन सीटी नहीं बजाएगा, तेरे थोबड़े का पारा बजाएगा। मार, ए चुया, मार मुझे, मार। अभी अभी चीता को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। ए बुढ़िया जी, मैं आपका हरामी जवाई आए लगी जी। मैं चीता और वो हरामी खुदा। तू समझती है वो तेरा बेटा है? वो इंस्पेक्टर अमर नहीं है। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जिंदा नहीं।
मेरा अमन मुझे बुला रहा है। लक्ष्मण एक वादा करो लक्ष्मण। हाँ। मेरी सास के लिए तुम अमर बनकर जियोगे। गीता जी अपुन तुमसे वादा कर।